हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, 2 हफ्ते बाद, क्योंकि हमारे घर में एक मुसीबत आन पड़ी, बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी अचानक ही। इसलिए आज मैं थोड़ा सा मतलब रिहाई है, आज थोड़ा सा वो करके हम आप लोगों के पास फिर से अपने चैनल में आए हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, और ऐसा हुआ कि आज तो वैसे बहुत ही बारिश हो रही है, अचानक ही बारिश होने लगी। बहुत ही सुंदर है सीज़न, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे सीज़न में, पर वो भी अच्छा हुआ। वैसे मन ज़्यादा ठीक नहीं है। ठीक है, तो खैर भगवान ने बहुत कृपा की हम लोगों के ऊपर कि भगवान ने हल्के के ऊपर से ले लिया। कल ऐसे एक तारीख को ऐसा हुआ कि अचानक ही क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड की तबीयत एकदम ख़राब हो गई। अचानक ही ऑफिस से आए और रात को अचानक ख़राब हो गई, और अचानक ख़राब होने से क्या कहते हैं, रात जब आए तो वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, उनका अस्थमा का वो है, अटक पड़ गया था अस्थमा का। मतलब एक तो मतलब ज़्यादा लेबोरियस है, तो ज़्यादा वो करने से उनको हो जाता है, और बराबर इतने दिन गए हैं ना, तो इसलिए क्या कहते हैं अटैक आ गया था। ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे रात को, और वो कह रहे थे कि मेरे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने कहा, तो हम लोग अचानक ही डर गए। ठीक है, रात तो किसी तरह जैसे तैसे बीती, पर फिर हम लोगों ने बस, और हम लोग के पास कोई चारा नहीं था, हम लोगों ने खाली भगवान का नाम लिया। भगवान के नाम लेने से भगवान ने कम से कम सुन लिया, और पूरी रात हम लोग को ठीक से मतलब बीत गए किसी तरह। इसके बाद हम लोगों ने कहा नहीं, अब हम लोग तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अब मैं ठीक हूँ, अब खाली डॉक्टर को दिखाना है, और मतलब मैं नहीं जाऊँगा हॉस्पिटल। तो मैंने कहा, हम लोगों ने कहा कि हॉस्पिटल तो जाना ही है, चेकअप करवाना है, देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर हम लोग उनको ले गए, हम लोग 11 बजे के करीब, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, सिग्नेचर हॉस्पिटल सामने ही है, तो उसमें हम लोग ले गए। वहाँ पर लेके हम लोगों को तो पता था कि वो एडमिट ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि ना जिस तरह से उनका मतलब कंडीशन था, हम लोग तो सोच रहे थे कि एडमिशन हो ही करेंगे ही वो। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि हो सकता है एडमिशन ना करें, तो खैर वही हुआ जो हम लोगों ने सोचा। उनको जब दिखाया तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, सांस की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ, और अस्थमा का अटैक पड़ा है, तो इसलिए आप इनको ना अच्छा चेकअप के लिए भेज दीजिए, तो इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो जब चेकअप के लिए फिर वो मैंने पूरा टेस्ट वगैरह हुआ, चेकअप के लिए जब अंदर गए तो वहाँ पता चला कि क्या कहते हैं, बहुत कफ एंड कोल्ड, और वही अस्थमा का अटैक पड़ा है। ठीक है, और बस यही हुआ, फिर इनको एडमिट करवा दिया गया। तो एडमिट करवा दिया तो हम लोग का ऐसे 3-4 दिन ऐसा बीता ना, ऐसे बीता कि हम लोग में उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। हम लोग के ऊपर बहुत बहुत बड़ी परेशानी हुई, ऐसे लगता है पहाड़ टूट पड़ी आके। एक तो कोई है नहीं, ठीक है, बड़े घर को संभालने वाले, और इस कंडीशन में जहाँ की इस समय मेड नहीं है, सब अपने हाथ से सब काम करने पड़ रहे हैं। ठीक है, एक तो घर का काम इतना, इसके ऊपर हॉस्पिटल का आना जाना सब कुछ, तो करना तो पड़ेगा ही। खैर जब घर में ऐसा हुआ है तो इसके बाद हम लोग हाँ अंकल जी को मतलब एडमिट करवा दिया। ठीक है, तो मतलब करवा दिया, और फिर हम लोग तो सारा दिन वहीं रहे। फिर हम और हमारी जो गुड़िया है, हम लोग शाम को घर आ गए, और मेरी बेटी जो है वो मतलब वहीं पर रात को वहीं पर उन्होंने स्टे किया। और फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि फिर वही एक ही
एक ही किस्सा कि मतलब कोई सुबह आए तो कोई शाम को रात को रहे और कोई रात को आए तो सुबह है। तो ऐसा तो बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ गया, काम पड़ गया, अब क्या किया जाए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग, हाँ फिर हम लोग शाम को आ गए, हमारे ग्रैंड डॉटर, हम लोग शाम को आ गए, मतलब रात हो गई थी आते आते। इसके बाद हम लोग ना जब दोपहर को गए थे ना, जब दोपहर को गए थे तो हम लोग अपना खाना पीना सब ले गए थे, नाश्ता पानी का जितना भी वो था हम लोग अपने लिए, क्योंकि उनको तो हॉस्पिटल से मिल रहा था। ठीक है, और तो हम लोग अपना खाना पीना ये सब करते करते ना देर तो हो ही जाती है, और इतना टायर्ड हो गए कि कुछ कहने की बात नहीं। एक तो मतलब टेंशन, तो फिर ऐसे करके हम लोगों ने 3-4 दिन हम लोग रोज़ ऐसे ही करते थे। वो आती थी तो हम जाते थे तो वो लोग आती थी, और रोज़ यही नाश्ता पानी खाना बना के ले जाना ये सब। और इस समय तो पता ही है हॉस्पिटल की हालत क्या है। खैर हॉस्पिटल बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेंटेन, और हर चीज़ का ख्याल रख रहे थे, किसी को जाने नहीं दे रहे थे अंदर। उनको ICU में भर्ती कराया गया, और ICU में तो मतलब किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे, और वही जूते उते उतार के जाना, वो करना, ये सब बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था। तो खैर वो हॉस्पिटल जो था ना, वहाँ पर कोई ऐसा मरीज नहीं था, COVID-19 का कोई मरीज नहीं था। COVID-19 उनका हॉस्पिटल बहुत बड़ा है ना, तो दूसरा साइड जो था वो COVID-19 का था, दूसरे साइड। फिर घर आके पूरे आके, चाहे रात को आओ चाहे दिन को आओ, पूरा नहाना, डिटॉल का यूज़ करना, पूरे कपड़े सब धोना, कपड़े को डिटॉल और सर्फ से धो के धोना, और सैनिटाइज करना पूरे, जो कुछ भी दे जाते थे पर्सों चाहे कोई बैग हो उसको सैनिटाइज करना, ये सब बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है इस समय। तो वही सब करना पड़ा, और ये सब करते करते ना फिर घर आके रात के लिए खाना बनाओ, रात के लिए खाना बनाओ, ठीक है ये सब। और जो सुबह जाते थे, जो रात के लिए खाना बना दिया, और जब सुबह जाते थे तो सुबह के लिए उनके लिए जो भी वहाँ पर स्टे कर रहे हैं, मेरी बेटी स्टे करती थी तो उसके लिए खाना, नाश्ता खाना सब कुछ, अपने लिए भी, क्योंकि इतनी देर रहना पड़ेगा, तो जब इतनी देर रहना पड़ेगा तो सब कुछ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, घर बाहर का कोई कुछ खा नहीं सकते हैं, बस यह है कि चाय तक ले जाते थे थर्मस में। ठीक है, सब थर्मस में चाय वाय बना के ले जाते थे, क्योंकि ना बाहर का खाने में इस समय ठीक नहीं है और डर भी लगता है। तो इस ऐसे करते करते इतना काम बढ़ जाता था कि हम लोग ना कि बुरी तरीके से टायर्ड हो गए, और उस समय इतनी बुरी तरीके से टायर्ड हो जाते थे। और बस वही, फिर तो 3 दिन उन्होंने रखा, समझ लो 4 दिन ही, चौथे दिन रात को हम लोग घर आए, डिस्चार्ज किया उनको। जब डिस्चार्ज किया तो उसका भी वही बहुत काम होता है कागज़ का, ठीक है ना, यही सब कुछ करते 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 पूरे हम लोग 7:30 बजे घर आए, ये सब करते करते। तो समझ लो 4 दिन तो पूरे हॉस्पिटल में ही थे हमको। और कल के दिन तो हम लोग, हाँ कल हम लोग आए शाम को, ठीक है, कल के दिन हम लोग सारे दिन पूरा परिवार हमारा हॉस्पिटल में था। और जब हम लोग कल शाम को 7:30 बजे आए, अब इतने दिन हॉस्पिटल में यही रूखा सूखा खाना, मतलब जैसे होता है पेशेंट का जो खाना होता है वो तो खाना ही पड़ेगा, तो इनका तो वो कह लगे हमारा तो मुँह ही ख़राब हो गया, हमें कुछ ऐसा दो। खैर डॉक्टर ने किसी बात में मना नहीं किया। हाँ, मैंने आपको हॉस्पिटल के बारे में सब बताया, और वहाँ का जो कहा ना कि कोविड जो वो था वो अलग था, कोविड का जो सेफली आ गए, थैंक गॉड हम वहाँ से सेफली आ गए, और सब लोग सब ठीक हैं। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके अंकल जी ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है, और
बस फिर हॉस्पिटल ना जाना पड़े हम लोगों को, किसी को भी। आप लोग भी सब स्वस्थ रहिए और सुरक्षा में रहिए, हैं। और बस यही कहना था, और मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, है, एंड करती हूँ यहीं पर, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है इस समय। और क्या कहते हैं, आप लोग जरूर 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 से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।